नमस्कार, मेरा नाम हरदीप कौर, सर्वकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला की हिंदी की अध्यापिका। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे लिखा हुआ है सूचना लेखन। सूचना क्या होती है? जब हम कोई भी किसी भी तरह की सूचना लोगों तक पहुंचानी हो उसे हम कहते हैं सूचना। और उसके लिखने का अपना एक ढंग होता है और सूचना आम लोगों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम सूचना लिखते हैं। आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये स्कूल की तरफ से भी हो सकती है, संस्था की तरफ से भी हो सकती है, किसी कॉलोनी की तरफ से भी हो सकती है। तो इसे जो हम कोई इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी जो आम लोगों तक पहुंचाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सूचना लेखन। सूचना लेखन जो आज का हमारा विषय है, सूचना, जैसे मनुष्य, हम जानते हैं कि मनुष्य जो है उसको तरह तरह की जानकारियां इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है। तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है, उस जानकारियों को जानना चाहता है और इसलिए वो क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, बातचीत करता है। एक दूसरे को कोई बात है तो वो दूसरे को बताता है और दूसरे से कोई जानकारी है तो अपने तक हासिल करने की कोशिश करता है। उसी को हम अगर फॉर्मेटिव तरीके से लिखते हैं, अच्छी तरह से लिखते हैं, एक फॉर्मेट में लिखते हैं, तो प्रारूप में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सूचना लेखन हो जाता है। ये सूचना लेखन है, सरकारी भी है, गैर सरकारी प्राइवेट संस्थान जो होते हैं वो भी लिखते हैं अपने लोगों को इस चीज की जानकारी देने के लिए। लोगों तक जो उनके यहाँ काम करते हैं किसी भी तरह की कोई जानकारी पहुंचाने के लिए सूचना लिखी जाती है। आम लोगों की भलाई के लिए भी सरकार भी कई बार बहुत सारी आम जनता की, साधारण लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी सूचनाएं समय समय पर निकालती हैं जो हमने देखी हैं। ये सूचनाओं की जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। जब हम बातचीत करते, मौखिक बात कर रहे हैं तो वो सूचना लेखन है, लेकिन जब हम लिखित रूप में कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आम लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सूचना लेखन कहते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि सूचना लिखने में हमारी मेहनत कम लगती है और खर्चा जो है वो भी बहुत कम आता है और हमारी सूचना जो है वो सभी लोगों तक पहुंच जाती है। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के श्याम पैडमल बोर्ड पर लिखी हुई मिलती हैं। जो विद्यालय में जानकारी हमने बच्चों तक पहुंचानी होती है, छात्रों तक पहुंचानी होती है, उसकी जानकारी भी सूचना जो होती है उसकी जानकारी, सूचना भी सूचना पर बोर्ड पर लिखी जाती है। सूचनाएं प्राय ऐसे स्थानों पर लिखी जाती हैं जहां हर व्यक्ति उसको देख सके और पढ़ सके, मतलब सबके उपलब्ध में हो, सब उस व्यक्ति उस जगह के आसपास रूटीन में रोजाना निकलते हो, ऐसी जगह पर सूचनाएं लिखी जाती हैं जो हर लोग जो है, हर व्यक्ति जो है वहां आसानी से पहुंच जा सके। सूचना लेखन में जब हम करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले सूचना जो होती है प्रायः दो या तीन पंक्तियों में, जो उसका बीच वाला अनुच्छेद होता है वो प्रायः दो या तीन पंक्तियों में लिखा जाता है। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। ऐसी सूचना हमने देनी है क्योंकि हम आम लोगों को ये सूचना दे रहे हैं तो उसकी भाषा जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी, कठिन नहीं होनी। ऐसे हमने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो आम लोग जिसको ना समझ सके। ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो बहुत सरल हो, ऐसी भाषा होनी चाहिए, ऐसी सूचना पूर्ण रूप से लिखी जानी चाहिए कि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको आसानी से उस चीज को समझ आ जाए। सूचना की भाषा इस तरह की होनी चाहिए कि प्रभाव डालने वाली हो, पढ़ने वाले पर अपना प्रभाव डालने वाली हो। लिखावट ऐसी होनी चाहिए सूचना की जो पढ़ने वाला है वो आसानी से उसको पढ़ सके, पढ़ने योग्य हो। सूचना देने वाले का नाम, उसका पद, उसका स्थान, ये उस सूचना लेखन में जरूर लिखा जाता है। ये जानकारी जरूर होनी चाहिए सूचना लेखन में। सूचना लेखन में दिनांक जरूरी है, वो अवश्य है। हमें सूचना लेखन में दिनांक, स्थान, समय ये जरूरी लिखना होता है। अब सूचना लेखन का ढंग क्या है, कैसे हमने सूचना लिखनी है? सबसे पहले सूचना लेखन का उद्देश्य क्या है? किसी महत्वपूर्ण जानकारी को सभी तक पहुंचाने को हम सूचना लेखन कहते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग मीन्स हमने चारों तरफ एक बॉक्स बनाना होता है, सूचना जहां लिखनी होती है। उसके बाद सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? कोई संस्था, कोई विद्यालय और किसी
किसकी तरफ से वो सूचना दी जा रही है, उसका नाम सबसे ऊपर। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हम क्या लिखते हैं, सूचना। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दूसरी पंक्ति में हम लिखते हैं सूचना। उसके बाद दिनांक डेट आती है और उसके बाद सूचना का विषय, हेडिंग जो है सूचना का जो विषय है वो आता है, किस विषय में वो सूचना लिखी जा रही है। अब जो विषय है मेन, जिस विषय पर हमने सूचना लिखनी है उसकी दो या तीन पंक्तियां लिखी जाती हैं, उसके बाद वो विषय जो है वो हमने एक अलग अनुच्छेद के रूप में लिखना होता है, दो या तीन पंक्तियों में। बहुत बड़ी सूचना हमने नहीं लिखनी होती, इसकी शब्दों की सीमा होती है, उस सीमा को ध्यान में रखकर हमने सूचना लिखनी होती है। सूचना क्या है, कब और कहां और कैसे, इन चीजों के प्रश्नों के उत्तर उस सूचना में जो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं विषय उसमें आने चाहिए। उसके बाद जिस पदाधिकारी या उसके द्वारा सूचना दी जा रही है उसका नाम, फिर हस्ताक्षर और नाम। पहले पोस्ट आएगी, उसका पद आएगा, फिर उसके हस्ताक्षर और उसका, उसके बाद उसका नाम आएगा। अब उदाहरण के लिए, जैसा कि आपके पास एक उदाहरण है, आपके विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी आमंत्रण भेजा गया है, अपने विद्यालय के विद्यार्थी को प्रोत्साहित करते हुए सूचना लिखे। सूचना मैंने भी कहा है, कोई शिविर आपके यहाँ लग रहा है, कोई छुट्टी की जानकारी देनी है, कोई प्रतियोगिता है, इस तरह की सूचनाएं बनाई जाती हैं। और हमने अपनी संस्था की ओर से कोई सूचना देनी है, कोई कॉलोनी में आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपने सबको देनी है, उसकी भी सूचनाएं लिखी जाती हैं। लिखने का ढंग, एक एग्जांपल आपके सामने, उदाहरण आपके सामने है, स्कूल सूचना, फिर विद्यालय ये, फिर हेडिंग आ गई, उसके बाद ये दिनांक, कई फॉर्मेट दोनों तरह से सही है, कईयों में दिनांक ऊपर आता है और कईयों में दिनांक यहाँ पर विषय के बाद लिखा जाता है, ये दोनों फॉर्मेट सही। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाते हैं, सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि सूचना जो है ये अन्य पुरुष के रूप में लिखी जाती है, तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, जिस दिनांक को ये सूचना होनी है, जो ये आपकी कार्यक्रम है जब होना है, वो डेट, समय, स्थान और दिनांक, ये तीनों चीजें बहुत अनिवार्य है सूचना लेखन में। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है, जिन विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना है वो शीघ्र अपना नाम विद्यालय के ऑफिस में नामांकित करा सकते हैं, जीतने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हेड बॉय जिसकी तरफ से सूचना है और उसका नाम, ये आपका सूचना लेखन का प्रारूप है। ये अभ्यास से इस तरह की और सूचनाएं लिखी जा सकती हैं, जो आपके, आप देख सकते हो नगर निगम के हिसाब से भी, आप ये जनरल सूचनाएं जो आम लोगों को दी जाती है, विद्यालय की सूचनाएं। तो आज हमने क्या जाना है कि सूचना क्यों और किस तरह लिखी जानी चाहिए, और लिखने की भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी भाषा का हमने उसमें प्रयोग करना है, और इसमें किस, वह बात जो बताने के लिए कही गई है उसी की सूचना होनी चाहिए, जिस बात के लिए सूचना है सिर्फ उसी की ही सूचना लिखनी है, हमने इधर उधर की कोई बातें सूचना लेखन में नहीं करनी होती, क्योंकि सूचना लेखन की जो शब्द सीमा है वो सीमित होती है। धन्यवाद। मैंने उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया सूचना लेखन वो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।